कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि सबको ये पता है कि कंप्यूटर या हमारा एक सिस्टम या ठीक है या कोई डिवाइस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब बात रही कि जो हम कहते हैं बात कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली डील करता है हमारे हार्डवेयर क्या है और वो कैसे अटैच है एक दूसरे से। ठीक है, हमारा आर्किटेक्चर डील करता है कि ये हार्डवेयर जो अटैच है आपस में, इनको काम कैसे करवाना है, बेसिकली क्या हमारे प्रोग्राम्स होंगे, क्या हमारे सिस्टम कॉल्स होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं अपने सॉफ्टवेयर्स जो मतलब जब आप इसको सब्जेक्ट को पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा कि सिस्टम प्रोग्राम्स, सिस्टम कॉल्स, ये चीज़ें क्या है और कैसे मतलब एक सॉफ्टवेयर पार्ट से कैसे वो डील करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कैसे सॉफ्टवेयर हेल्प करता है हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने में। ठीक है, तो एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर पार्ट को आप अलग करना है इसमें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगा हार्डवेयर पार्ट और आर्किटेक्चर के अंदर क्या आएगा हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट। और एक चीज हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बेसिकली किसके लिए होती है, वो हमारी यूजर के लिए होती है समवेयर, और जो हमारा आर्किटेक्चर होता है वो हमारा प्रोग्रामर या डेवलपर के लिए होता है कि कैसे जो हार्डवेयर लगे उसके हिसाब से कैसे इंस्ट्रक्शंस बनानी है, क्या कैसे हर चीज़ों को आपस में कंबाइन करना है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और उसके आर्किटेक्चर में।